आज हम लोग सीखेंगे विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत आने वाले पार्टों के बारे में कि विंडो एसी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं और उनके काम क्या होते हैं, आज पूरे डिटेल में एकदम बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रिकल पार्ट लिखे हैं जो कि विंडो एसी में इतने ही इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, मतलब जो विद्युत से मिलके काम करते हैं पार्ट, वो पार्ट इतने होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं। विंडो एसी के जिन जिन भागों में विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत का बहाव होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मतलब कि विंडो एसी के जिन जिन पार्टों में, जिन जिन भागों में विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक का प्रवाह होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम किसे कहते हैं। तो अब चलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत जो पार्ट आते हैं, जो भाग आते हैं, जो कि विंडो एसी में लगे होते हैं, उनके बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं कि वो क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा पार्ट जो है इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट, वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर बाइंडिंग की गई होती है और उस बाइंडिंग का वायर ऊपर ला करके तीन पिन के जरिए से उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे ही उन तीनों पिनों में सप्लाई को दी जाती है, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये एसी का कंप्रेसर है और इसमें रनिंग, काम ऑन और स्टार्टिंग के तीन पिनें बनी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ। ये एक रोटरी कंप्रेसर है जो कि विंडो एसी में लगाया जाता है। विंडो एसी में रोटरी कंप्रेसर का भी यूज किया जाता है और सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए एक रोटरी कंप्रेसर बन के तैयार हो चुका है और इसमें तीन पिनें बनी होती हैं। देखिए इस तरीके से ये तीन पिनें रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की, ये तीन पिनें बनी होती है। जैसे ही इस पर सप्लाई दी जाती है, ये रन करना शुरू कर देता है। तो आपको मतलब कि ये गैस को खींचना, सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से फेंकना शुरू कर देता है जैसे इसमें हम सप्लाई देते हैं 220 वोल्टेज की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर क्या चीज़ होता है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है थर्मोस्टेट। कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए थर्मोस्टेट ये एक थर्मोस्टेट का फिगर बना रहे हैं। तो ये थर्मोस्टेट इसकी कूलिंग को कंट्रोल करता है कि रूम में जब आवश्यकता, जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी कूलिंग हो जाएगी, तो फिर ये थर्मोस्टेट इसको कट अप कर देंगे। मतलब इस पर फेज की सप्लाई को एक इन किया जाता है और वहीं से और दूसरे पॉइंट से आउट करा करके कंप्रेसर की तरफ लेक चला जाया जाता है, जिससे कि सप्लाई मिलती रहती है उसको। और जैसे रूम का टेम्परेचर कंप्लीट होता है, मतलब पूरा ठंडा हो जाता है रूम, तो ये स्पिनिंग यहाँ से हट जाती है कंटेक्ट पॉइंट से और ये फेज यहाँ पे ही रुक जाता है, नीचे नहीं आ पाता है, मतलब यहाँ से आउट नहीं हो पाता है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है और कूलिंग बंद हो जाती है। और जैसे ही कूलिंग नॉर्मल होती है तो फिर से ये थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है, फिर से कंप्रेसर को सप्लाई मिल जाती है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है, जिससे गैस घूमने लगती है और फिर से ठंडा करना ऐसी शुरू कर देती है। तो ये जो थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट का काम होता है कि कूलिंग को कंट्रोल करना। चलिए ये भी क्लियर हो गया। और इसमें एसी में जो थर्मोस्टेट प्रयोग किया जाता है, वो थर्मोस्टेट थर्मल बल थर्मोस्टेट होता है। अब उसके बाद रिले, अगला क्या है, रिले। रिले क्या चीज़ होता है? रिले जो है कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए रिले का प्रयोग किया जाता है। इसी में रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, फिर कंप्रेसर के पिनों को कनेक्ट किया जाता है और इसमें सप्लाई दी जाती है, जिससे कि वो रिले इस कंप्रेसर को स्टार्ट करता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारे विंडो एसी में ये वोल्टेज रिले लगा, देखिए इसमें जो रिले प्रयोग किया जाता है उसका नाम है वोल्टेज रिले। वोल्टेज रिले का प्रयोग हम अपने विंडो एसी में करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिले है ये सब में नहीं होता है। जो 1.5 टन से ज़्यादा की एसी होगी, 2 टन या उससे भी ज़्यादा की एसी होगी, उसमें वोल्टेज रिले आपको मिलेगा। 1.5 टन, 1 टन, 0.5 टन, 0.25 टन में ये आपको वोल्टेज रिले नहीं मिलेगा।
क्योंकि वोल्टेज रिले वहाँ पे लगाया जाएगा जहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाएगा। तो मतलब जो हमारी 2 टन से बड़ी एसी हैं, जो बड़ी एसी होती है उसको स्टार्ट होने के लिए, उसे कंप्रेसर भी बड़ा होता है तो उसको स्टार्ट होने के लिए डबल कैपेसिटर की ज़रूरत होती है, जो कि रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया जाता है जिससे कि वो अच्छी तरीके से स्टार्ट होकर रन करती है। तो वहाँ पे हम इस वोल्टेज रिले का प्रयोग करते हैं। मतलब 2 टन की एसी में वोल्टेज रिले लगाया जाता है, 1.5 टन की एसी में नहीं लगाया जाता है, ना ही 1 टन की एसी में लगाया जाता है, ना ही 0.5 टन की एसी में लगाया जाता है, उसमें सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। और जहाँ पर रनिंग कैपेसिटर लगेगा वहाँ पर ये वोल्टेज रिले नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वोल्टेज रिले में कितनी पॉइंटें होती हैं। देखिए यहाँ पर वोल्टेज रिले ये देखिए वोल्टेज रिले जो है यहाँ पे ये वोल्टेज रिले की पॉइंट है। इस तरीके से वोल्टेज रिले बना हुआ होता है। ये देखिए वोल्टेज रिले इस तरीके से बना हुआ होता है और यहाँ पे देखिए 4 नंबर पिन एक होती है, एक 5 नंबर पिन होती है, एक 2 नंबर पिन होती है और एक नंबर पिन इसमें होती है। तो इस तरीके से होता है वोल्टेज रिले, ये चौकोर में होता है। ये क्या है? वोल्टेज रिले। ये वोल्टेज रिले जब वायरिंग आपको बताई जाएगी तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा किस पॉइंट में कौन सा तार जाएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर कहाँ जाएगा और रनिंग कैपेसिटर कहाँ जाएगा। तो ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा वायरिंग कैसे की जाती है, बट यहाँ पे मैं आपको पार्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो वोल्टेज रिले है इस तरीके का वोल्टेज रिले होता है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज रिले भी क्लियर हो गया। जो विंडो एसी में प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है वोल्टेज रिले। अब यहाँ पर OLP है। OLP का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये होता है OLP का पूरा नाम, फुल नेम यही होता है कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका काम होता है कंप्रेसर को ओवरलोड और ओवरहीट होने से बचाना। ओवरलोड और ओवरहीट ये क्या चीज़, समझिए। पहली बात ओवरहीट को समझते हैं। तो जो ओवरहीट क्या है, जब कंप्रेसर चलते 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 आवश्यकता से अधिक हीट हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ये OLP उसे सप्लाई देना बंद कर देती है, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाता है और थोड़ा वो आराम कर लेता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है कंप्रेसर, तो फिर से ये सप्लाई उसको देना स्टार्ट करती है OLP, जिससे कि फिर दोबारा से कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। ये एक ओवरहीट हो गया। ओवरलोड क्या चीज़ होता है, अब ओवरलोड समझिए। किसी वजह से अगर कंप्रेसर पे ओवरलोड पड़ जाएगा, मान ली कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया या फिर गैस ज़्यादा भर दी गई है, तो उस कंप्रेसर पे ओवरलोड पड़ेगा। जैसे उस पर ओवरलोड ज़्यादा पड़ेगा, या कैपेसिटर ज़्यादा MFD का लगा दिए हैं या बहुत कम MFD का लगा दिए, तो उस OLP पे लोड पड़ेगा, मतलब कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, तो ओवरलोड ज़्यादा करंट लेने लगेगा, तो उस ज़्यादा लोड की वजह से ये ओवरलोड प्रोटेक्टर उसको कट कर देगी, जिससे कंप्रेसर बंद हो जाएगा। और अगर ये ओवरलोड प्रोटेक्टर नहीं लगाया जाता है कंप्रेसर में, तो क्या होगा कि कंप्रेसर जल्दी ही ख़राब होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब ओवरलोड पर चलेगा तो कंप्रेसर ख़राब होना ही होना है। तो इसलिए हम लोग इस पर OLP को लगाते हैं, ताकि अगर ओवरलोड या ओवरहीट कंप्रेसर पर हो तो कंप्रेसर को बंद कर दे, जिससे कि कंप्रेसर की सेफ्टी हो। तो कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए ये OLP लगाई जाती है। अब OLP लगी कहाँ होती है? आप कहेंगे AC में OLP दिखती नहीं है बाहर। तो OLP दोस्तों जो बड़े कंप्रेसर होते हैं AC के कंप्रेसर, तो जो कंप्रेसर AC के होते हैं, रोटरी कंप्रेसर, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, तो उसके अंदर ही ये कंपनियाँ ओवरलोड प्रोटेक्टर को अटैच कर देती हैं, लगा देती हैं। तो इसके अंदर ये OLP लगी होती है कंप्रेसर के अंदर, ये OLP बाहर नहीं लगी होती है। मतलब कि ये कामर वाली जो पॉइंट होती है इसी पे ये ओवरलोड प्रोटेक्टर यहाँ पे लगाता है। ये मान लीजिए 2 पॉइंट उसके हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यही जो है आएगा यहाँ पे दूसरे पॉइंट सर्व करा करके इसकी बाइंडिंग को दिया जाएगा। तो जब कभी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ये जो न्यूट्रल का तार यहाँ पे आ रहा है ये तुरंत यहीं पे रुक जाएगा और फिर ये कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। और जैसे ही OLP ऑन होगी दोबारा से फिर इसको सप्लाई मिलेगी कंप्रेसर को और कंप्रेसर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो OLP कंप्रेसर के अंदर लगी होती है। जो AC के कंप्रेसर होते हैं उस कंप्रेसर के अंदर ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाया जाता है, मतलब OLP लगाया जाता है, बाहर नहीं लगाया जाता है, इसलिए हमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिखाई नहीं देता है। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर भी क्लियर हो गया। अब आगे है फ़ैन मोटर। ये फ़ैन मोटर समझिए,
विंडो एसी में जो एक ही फ़ैन मोटर लगाया जाता है, फ़ैन मोटर का काम होता है हवा को प्रदान करना, मतलब हवा देने का काम करता है फ़ैन मोटर। जो उसका फ़ैन मोटर होता है उसके दोनों तरफ शाफ्ट होते हैं, फ़ैन मोटर एक रहेगा। देखिए यहाँ पे चित्र में देख लीजिए किस तरीके से ये फ़ैन मोटर होता है। देखिए ये जो फ़ैन मोटर होता है विंडो एसी में सिर्फ एक फ़ैन मोटर लगा होता है, और वही फ़ैन मोटर कंडेंसर फ़ैन, उसी फ़ैन मोटर पे कंडेंसर फ़ैन भी जुड़ा रहेगा और उसी मोटर पे एवोपरेटर फ़ैन भी जुड़ा रहेगा। एक ही मोटर के चलने से कंडेंसर भी ठंडा होता रहेगा और एक ही इसी मोटर के चलने से एवोपरेटर की कूलिंग भी हमें प्राप्त होती रहेगी। यहाँ भी ये जो मोटर बनाया गया, यहाँ पर देखिए एक कंडेंसर का रहेगा, ये कंडेंसर का फ़ैन हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया कंडेंसर का फ़ैन, और यहाँ पे देखिए ये हो गया एवापोरेटर का फ़ैन। विंडो एसी में एक ही फ़ैन मोटर लगा होता है और वही एक फ़ैन मोटर जो है वह जो है कंडेंसर को भी ठंडा करता है और एवापोरेटर की कूलिंग को भी हमें प्रदान करता है। तो ये देखिए फ़ैन मोटर है, इसमें से बाहर निकले हुए होते हैं। तो एक ही मोटर है, मोटर कितना है, दो नहीं है, मोटर एक ही है लेकिन इसमें दो शाफ्ट है। इसके आगे से भी शाफ्ट निकला है, इसके पीछे से भी शाफ्ट निकला है। पीछे वाले शाफ्ट पे कंडेंसर फ़ैन आ गया है, लगा दिया जाता है, और आगे वाले शाफ्ट पे ब्लोअर फ़ैन लगा दिया जाता है। तो ये हो गया फ़ैन मोटर। अब विंडो एसी में तीन किस्म के फ़ैन मोटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब तीन स्पीड के, एक फर्स्ट स्पीड फ़ैन मोटर, दूसरा सेकंड स्पीड फ़ैन मोटर, और तीसरा थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर। लेकिन ज़्यादातर थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट स्पीड फ़ैन मोटर, सेकंड स्पीड फ़ैन मोटर, थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर ये क्या होता है। फर्स्ट स्पीड फ़ैन मोटर क्या होता है इसको पहले जानते हैं। देखिए जो फ़ैन सिर्फ एक ही चाल चले, वो हाई लो मीडियम ना हो, सिर्फ एक ही चाल हाई चले, उसे कहते हैं फर्स्ट स्पीड फ़ैन मोटर। सेकंड स्पीड फ़ैन मोटर क्या होता है, जो फ़ैन हाई और लो चले, जो फ़ैन मोटर हाई और लो चले उसे कहते हैं सेकंड स्पीड फ़ैन मोटर। मान लीजिए कि अगर आपको ज़्यादा हवा की ज़रूरत है तो उसको आप हाई पे कर सकते हैं, आपको कम हवा की ज़रूरत है तो आप उसको लो पे कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सेकंड स्पीड फ़ैन मोटर। थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर क्या है, थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर ये है कि उसमें हाई का भी ऑप्शन होता है, लो का भी ऑप्शन होता है, और मीडियम का भी ऑप्शन होता है, मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एयर जितना आपको लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं, मतलब कि आप फ़ैन को हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, और मीडियम भी कर सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर। तो इन तीनों स्पीडों का इस्तेमाल, मतलब कि विंडो एसी में किसी किसी में फर्स्ट स्पीड का ही फ़ैन मोटर होता है, किसी किसी में सिर्फ थर्ड स्पीड का ही होता है, किसी किसी में सिर्फ ये सेकेंड स्पीड का ही होता है, लेकिन ज़्यादातर विंडो एसी में थर्ड स्पीड फ़ैन मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये जो फ़ैन मोटर होता है वो कितने स्पीड का प्रयोग किया जाता है विंडो एसी में। तो चलिए अब अगला जानते हैं कि कौन सा पार्ट इसमें लगा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर, स्विंग मतलब होता है झूला, झूले वाला मोटर, मतलब ये है स्विंग मोटर का मतलब क्या होता है कि जो मोटर ग्रिल को दाएं बाएं घुमाने का काम करता है उसे कहते हैं स्विंग मोटर। ग्रिल का काम क्या होता है, ग्रिल का काम होता है कि हवा को दाएं बाएं घुमाना, मतलब रूम में फैलाने का काम करता है हमारा ये स्विंग मोटर। रूम एयर को रूम में फैलाने का काम, या एयर के डायरेक्शन को, एयर के दिशा को चेंज करने का काम करता है हमारा स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर काम होता है ग्रिल को दाएं बाएं घुमाना, और ग्रिल क्या करती है, जो विंडो एसी से एयर निकल रही है, मतलब इवापोरेटर से होकर के ब्लोअर फैन जो एयर फेंक रहा है रूम में, उस एयर को दाएं बाएं, उस हवा को दाएं बाएं या ऊपर नीचे घुमाने का काम करता है हमारा स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्विंग मोटर किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्विंग मोटर है,
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये होता है, इसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई दी जाती है जिससे कि ऐसे दाएं बाएं घूमता रहेगा और ये हवा के डायरेक्शन को एक बार दाएं करेगा एक बार बाएं करेगा। तो किसी किसी में ऊपर नीचे का सिर्फ होता है, किसी किसी में दाएं बाएं का होता है। तो ये ऊपर नीचे करता है हवा को या फिर दाएं बाएं करता है, तो ये स्विंग मोटर हो गया। अब अगला है कैपेसिटर। पहले जानते हैं कैपेसिटर काम क्या होता है। कैपेसिटर काम होता है विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित कर कंप्रेसर मोटर को देना जिससे कि कंप्रेसर मोटर कार्य करता है। तो ये होता है कैपेसिटर का काम। अब जानते हैं विंडो एसी में कौन कौन से कैपेसिटर का यूज किया जाता है। देखिए अगर विंडो एसी जो है वो 1.5 टन या 1.5 टन से कम है तो उसमें सिर्फ रनिंग कैपेसिटर का ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर वो 2 टन या 2 टन से ज़्यादा है तो उसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है। अब जानते हैं कि रनिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है और स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में। स्टार्टिंग कैपेसिटर, चलिए स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में जानते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम किसी भी मशीन में ये होता है कि उस मशीन को स्टार्ट करना, सिर्फ स्टार्ट करने का काम हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर करता है। मतलब जैसे ही मशीन स्टार्ट हो जाती है 80-90% की स्पीड वो पकड़ लेती है, उसके बाद ये स्टार्टिंग कैपेसिटर अपना काम करना बंद कर देता है। बस यही इसका काम होता है कि उस मशीन को जिसमें ये लगा है यह यही काम करेगा उस मशीन में कि वह उस मशीन को सिर्फ स्टार्ट करेगा। मतलब चाबी के जैसे काम करता है। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं, चाबी को घुमाते हैं, जैसे ही कार स्टार्ट हो जाती है फिर चाबी को छोड़ देते हैं, फिर उसका काम ख़त्म होता हो जाता है। सेम उसी तरीके से ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर काम करता है कि मतलब जैसे ही उसमें सप्लाई आएगी वह जिस मशीन में लगा रहेगा, जिस मोटर में लगा रहेगा या जिस कंप्रेसर में लगा रहेगा उसको सप्लाई देगा, और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत ये सप्लाई को अपनी बंद कर लेगा। ये काम होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर। नाम से भी पता चल रहा है कि स्टार्टिंग कैपेसिटर मतलब स्टार्ट करने वाला कैपेसिटर। अब आता हमारा रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर ये देखिए जानते हैं रनिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है। रनिंग कैपेसिटर का काम होता है किसी भी मोटर या कंप्रेसर को लगातार सप्लाई प्रोवाइड करते रहने का काम करता है ये हमारा रनिंग कैपेसिटर। मतलब इसमें सप्लाई आती है और ये विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित करता रहता है और कंप्रेसर या फिर किसी मोटर को देता रहता है जिससे कि वो लगातार काम करता रहता है। मतलब ये अपने आप को डिसकनेक्ट नहीं कराता है, ये लगातार उसके साथ जुड़ा रहता है और उसको सप्लाई प्रोवाइड कराता रहता है जितना उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ये रनिंग कैपेसिटर का काम हो गया। तो हम लोग रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को भी जान लिए कि विंडो एसी में जो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर लगे होते हैं उनके काम क्या होते हैं। अब जानते हैं सिलेक्टर स्विच। यहाँ पे देखिए सिलेक्टर स्विच क्या होती है। पहले इसका एक फिगर बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सिलेक्टर स्विच बन चुकी है। एक 5 पिन सिलेक्टर स्विच है और एक 6 पिन सिलेक्टर स्विच। 5 पिन सिलेक्टर स्विच का मतलब इसमें 5 पिने हैं और 6 पिन सिलेक्टर स्विच का मतलब इसमें 6 पिने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि इस 5 पिन सिलेक्टर स्विच में जो 5 पिने हैं वह क्या क्या काम करती हैं, उसका क्या क्या काम होता है। पहला ऊपर देखिए 2 पिने हैं, एक N और एक L। ये 2 हैं मतलब एक इनपुट आउटपुट की ये है। मतलब यहाँ से फेज को इस पर इन किया जाता है N वाले पॉइंट पे और L से आउट करा करके हम दे देते हैं सीधा अपने स्विंग मोटर को। तो अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये दो जो आपका N और L ये क्लियर हो गया। मतलब फेज यहाँ पे इन करते हैं N वाले पॉइंट पे और फेज को दूसरे पॉइंट से आउट करा के स्विंग मोटर पे चला जाता है सप्लाई। और आगे देखिए अब यहाँ पे जो 3x2 नंबर की पिन है ये किसकी है, तो ये दोस्तों है कंप्रेसर की। मतलब इससे आउट करा के कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पे दे दिया जाता है, ये कंप्रेसर की हो गई। 4 नंबर पिन इस 5 पिन सिलेक्टर स्विच में होती है लो की, ये देखिए लो की हो गई। और 1 नंबर पिन इसमें होती है हाई की, तो मतलब कि ये फैन पे जा रहा है। जो सेकेंड स्पीड का फैन मोटर होता है उसमें लो और हाई का ऑप्शन होता है,
तो ये जो 5 पिन सिलेक्टिव स्विच लगेगी, ये सेकेंड स्पीड का जो फैन मोटर लगा रहेगा विंडो एसी में उस पर लगी रहेगी। तो मतलब जो उसमें हाई वाला ऑप्शन रहेगा उसके तार में, उस वो तार आकर के यहाँ पे हाई वाले पे मतलब एक नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा, और जो उसका लो वाला तार रहेगा वो आ जाएगा मोटर का इस पर 4 नंबर मतलब ये लो वाले पे आकर के अटैच हो जाएगा। तो बस इसका इस तरीके से कनेक्शन करते हैं, मतलब कनेक्शन बताऊँगा मैं आपको आगे वाली वीडियो में, मतलब वायरिंग का जब बताएँगे तो उस पर आपको हम बताएँगे। पहले ये जान लीजिए कि इसका जो लो हाई और मीडियम कौन कौन सी पिन होती है। तो यहाँ पर एक कोडिंग होती है, हाई लो मीडियम नहीं लिखा रहेगा लेकिन आपको याद करना होगा। तो एक नंबर किसकी होती है, हाई की होती है, 4 नंबर किसकी होती है, लो की होती है, 3/2 नंबर जो रहेगी वो रहेगी आपकी कम प्रेशर की, मतलब ये कम प्रेशर पे जाएगा। चलिए 5 पिन सेलेक्टर स्विच क्लियर हो गई, अब है 6 पिन सेलेक्टर स्विच। अब यहाँ पे देखिए जो 6 पिन सेलेक्टर स्विच है इसमें भी एन और एल ऊपर पॉइंट है, मतलब कि फेज की सप्लाई एन वाले पिन किया जाएगा, एल वाले शॉर्ट पर आके स्विंग मोटर को दे दिया जाएगा। और इसमें आप यहाँ पे देखते हैं सीरियल बैच देखते हैं, मतलब जो ये 3 नंबर पिन है ये किसकी होती है, तो ये दोस्तों 3 नंबर की पिन होती है मीडियम, फैन की मीडियम पे जाती है ये, जो फैन का मीडियम। अब देखिए जहाँ पे 3rd स्पीड फैन मोटर लगा होगा वहाँ पर आपकी 6 पिन सेलेक्टर स्विच भी लगानी होगी। तो यहाँ पे उसमें ऑप्शन है हाई लो मीडियम का यहाँ पे भी, और उस फैन मोटर में भी हाई लो मीडियम का ऑप्शन है। तो उसका लो वाला तार लो पे आ जाएगा, मीडियम वाला तार मीडियम पे आ जाएगा, हाई वाला तार हाई पे आ जाएगा फैन का। तो यहाँ पे देखिए जो 3 नंबर पिन रहेगी ये मीडियम की होगी, और जो 2 नंबर पिन होगा वो होगा हाई का, और जो 4 नंबर पिन होगा वो कंप्रेशर का होगा, और जो 1 नंबर पिन होगा ये होगा लो का। मतलब कि ये जो 3 नंबर पिन है ये फ़ैन के मीडियम वाले तार पे जाएगा, और जो 2 नंबर है ये हाई वाले पे जाएगा, और जो 4 नंबर पिन है ये कंप्रेसर का मतलब कंप्रेसर का रनिंग वाले पे जाएगा, और ये जो 1 नंबर पिन है ये है लो का, जो कि ये फ़ैन मोटर के लो वाले तार पर जाएगा। तो ये इस तरीके से इसमें कोडिंग होती है, और उस कोडिंग को आपको अपने माइंड में सेव करना होता है कि मतलब 1 नंबर पिन किसकी है, 4 नंबर पिन कौन है, किसकी है, कहाँ जाएगी, 2 नंबर कहाँ पर जाएगी, और आपको ये पता रहेगा तभी कनेक्शन सही हो पाएगा। नहीं तो अगर नहीं पता रहेगा तो कनेक्शन उल्टा होगा, मतलब हाई करेंगे तो लो चलेगा फ़ैन, मीडियम करेंगे तो हाई चलेगा, तो इससे कनेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाई वाला पिन कौन है, लो वाला कौन है, कंप्रेसर कौन है, तो फिर आप कनेक्शन सही तरीके से कर लेंगे। तो इसको आप नोट कर लें सही तरीके से, जिससे कि आपको आसानी होगी सिलेक्टर स्विच को पहचानने में, कि मतलब सिलेक्टर स्विच की पॉइंटों को पहचानने में किसकी कौन सी पॉइंट किधर जाएगी। तो ये दो टाइप की होती हैं, आपको पता चल गया 5 पिन और 6 पिन, अब ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद है ये 9वां, ये 9वां वाला क्या है, देखिए सिलेक्टर स्विच तो हो गए, अब ये है आखिरी और लास्ट, मतलब आखिरी ये है ये पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब ये प्रिंट करके देता है ना, नंबर को प्रिंट करता है, इसलिए इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा गया है। तो ये पीसीबी है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, जो काम सिलेक्टर स्विच का होता है वही काम होता है पीसीबी का। बस फ़र्क इतना है कि सिलेक्टर स्विच में नाब होती है जिससे हम अपने हाथ से घुमा के कंट्रोल करते हैं एसी को, और ये जो पीसीबी होती है इसमें कोई नाब नहीं होती है, इसमें रिमोट होता है जिससे कि हम इस रिमोट से इस पीसीबी को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि हमारी सारी एसी कंट्रोल होती है। हम दूसरे दूर एसी से दूर होकर के भी, हम एसी से थोड़ा दूर भी बैठ करके हम एसी को वहीं से अपने रिमोट के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसमें पीसीबी लगी हुई है। तो पीसीबी का काम होता है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना। जिस विंडो एसी में सिलेक्टर स्विच होगी उसमें पीसीबी नहीं होगी, और जिस विंडो एसी में पीसीबी होगी उसमें सिलेक्टर स्विच नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीसीबी का काम क्या होता है।